This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी पर। मैं कीर्ति हाजिर हूँ आज के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नज़र समाचारों की हेडलाइंस पर। कागजनगर में ऑपरेशन चबूतरा, मुर्गा लड़ाने पर होगी जेल, नीरज कुमार बने नए जिला वन अधिकारी। सरकारी कार्यालय में ताला, 50 ताड़ के पेड़ स्वाहा, इंटर एग्जाम में कलेक्टर साहब, दाएं तरफ धड़क रहा दिल। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से। कागजनगर पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा फिर से शुरू कर दिया है। जो भी व्यक्ति रात को 12 बजे के बाद बाहर घूमता दिखाई दे रहा है, उन्हें पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रही है। पकड़े गए लोगों को पुलिस ने गाड़ियों के साथ गिरफ्त में लिया, जिसके बाद सभी की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने बताया कि कागजनगर में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रात के 12 बजे के बाद लोगों का घूमना फिरना बंद करवा दिया है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला कागजनगर टाउन पुलिस ने लिया। दर्शकों आपसे अनुरोध है कि आप भी रात को 12 बजे के बाद बेफालतू में गाड़ियों पर बाहर ना घूमें, और अगर किसी काम से आपको बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो एक आईडी कार्ड अपने साथ लेकर चलें। तो आइए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुर्गा लड़ाई का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें कई लोग सट्टा लगाते हैं। वैसे तो तेलंगाना राज्य में भी सट्टा बैन है, इसलिए मुर्गा लड़ाई के खेल पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे मौजूद हैं जो कि लगातार मुर्गा लड़ाकर उस पर सट्टा लगाते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति सट्टा लगाने के लिए मुर्गा लड़ाते हुए पाया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर कागजनगर के ग्रामीण इलाकों में ऐसे मुर्गा लड़ाई के खेल देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों आपसे अनुरोध है कि आप मुर्गा लड़ाई के खेल को प्रोत्साहन न दें। इस गहरे रंग की शर्ट में मौजूद यह अधिकारी हैं नीरज कुमार टिबरेवाल। भद्राद्री कुत्तागुड़म फर्स्ट डिवीजन के ऑफिसर रहे नीरज कुमार जी अब कोमरम भीम जिले के नए अधिकारी बन गए हैं। अब पूरे जिले का वन विभाग प्रशासन नीरज कुमार जी के नेतृत्व में काम करेगा। नई अपॉइंटमेंट मिलने पर नीरज कुमार जी को बधाई देने के लिए पूरे जिले के वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। आकाशनगर फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर श्री विजय कुमार जी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। हमारी ओर से भी नीरज कुमार जी को बहुत बहुत बधाइयां। दर्शकों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है कागजनगर के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, जिसे कि लोग आम भाषा में नाप तोल विभाग भी कहते हैं। इस विभाग का काम है पूरे कागजनगर डिवीजन के अंदर हर दुकान में मौजूद बाट यानी नाप तोल के सामान का रजिस्ट्रेशन करना, उनका लाइसेंस रिन्यूअल करना और गलत मशीनों को जब्त करना। बाजार में कई जगहों पर मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके ग्राहकों को लूटा जाता है। एक किलो बताकर सिर्फ 800 ग्राम सामान ही दिया जाता है। ऐसे मशीनों को जब्त करने के लिए ही लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट काम करती है, लेकिन इस विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह है कि वह ताला बंद करके अपने घरों में आराम करते नजर आ रहे हैं। हमेशा इस दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ दिखाई देता है। कोई भी अधिकारी ड्यूटी के लिए ऑफिस नहीं आते हैं, बल्कि अपने घरों में रहकर सरकारी वेतन हड़प जाते हैं। किसी को अगर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करवानी हो तो उनका फोन नंबर भी काम नहीं कर रहा है। नाप तोल विभाग की इस लापरवाही के कारण कागजनगर मार्केट में कई लोग परेशान हैं और जल्द ही अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। ताड़ का रस और फल बेचकर तेलंगाना में लाखों लोग पैसे कमाते हैं। खास तौर पर गौड़ समाज के लोगों के लिए सरकारी लाइसेंस और ताड़ के पेड़ मुहैया कराए जाते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। बदले लेने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं। इसी तरह दहेगांव मंडल के कोतमीर ग्राम पंचायत में एक अनोखी घटना देखने को मिली।
यहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति ने एकाएक 40 से 50 ताड़ के पेड़ों को आग लगा दी। ऐसे में ताड़ के पेड़ों से पैसे कमाई करने वाले लोगों को भारी नुकसान हो गया। गांव के करीब 30 से 35 परिवारों को यह नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन परिवारों ने ऐसा कुकृत्य करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिले के कलेक्टर श्री हेमंतराव बोरखेड़े जी बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जिला प्रशासन को यह आदेश दे दिया है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम्स शांतिपूर्वक संपन्न किए जाएं। एक फ्लाइंग स्क्वाड और 4 सेटिंग स्क्वाड बैठाने के बावजूद आज सुबह सुबह कलेक्टर साहब ने जिले में मौजूद कुछ जूनियर कॉलेजेस का दौरा किया। एक कॉलेज में चल रहे इंटर के एग्जाम का कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया। एग्जाम लिख रहे सभी छात्रों को उन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। 55 वर्षीय मारूबाई को सभी लोगों ने घेर रखा है। यह सिरपुर पेपर मिल के कर्मचारी हैं और इनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम है। कुछ दिनों से सिरपुर पेपर मिल अलग अलग ग्रामीण इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप चला रही है। कल इनकी टीम कोसनी गांव में मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची। यहां पर सभी लोग तब हैरान रह गए जब इन्होंने मारूबाई का चेकअप किया। बड़ी विचित्र रूप से यह पाया गया कि मारूबाई का हृदय यानी दिल बाएं नहीं बल्कि दाएं ओर मौजूद है। इस बात को लेकर डॉक्टर्स हैरान रह गए। एक असामान्य घटना है क्योंकि हर व्यक्ति का दिल उसके सीने के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन मारूबाई का दिल उसके सीने के दाईं ओर यानी राइट साइड में मौजूद है। ऐसा करोड़ों में से किसी एक आधे व्यक्ति में देखने को मिलता है। सभी डॉक्टर्स ने यह देखकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया क्योंकि ऐसे केसेस देखने को जल्द नहीं मिलते हैं। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।